विज्ञापन के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी। मंत्री प्रभुराम चौधरी ने उदयपुरा में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विभागीय परीक्षा के बाद अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए, कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अतिथि शिक्षकों को लेकर ट्वीट किया। रायसेन जिले के उदयपुरा में मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का दौरा हुआ, जिसके चलते उदयपुरा ब्लॉक के अतिथि शिक्षक संघ ने डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से नियमितीकरण संबंधी अपना वचन याद दिलाया। आप सभी को ज्ञात है कि कांग्रेस सरकार के चुनाव के दौरान अतिथि शिक्षकों को वचन दिया था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम अतिथि शिक्षकों को 3 माह के अंदर नियमित कर देंगे। आज 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, आज तक अतिथि शिक्षकों को सरकार और हम कल 24 फरवरी 2020 से 27 फरवरी 2020 तक सामूहिक रूप से हड़ताल पर जा रहे हैं। कोई भी अतिथि शिक्षक कल से काम नहीं करेगा, स्कूल नहीं जाएगा। हम सभी लोग कल भोपाल जा रहे हैं और सार्वजनिक पार्क पर सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने मीडिया और अतिथि शिक्षकों से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है कि जल्द ही विभागीय परीक्षा लेकर आपको नियमित कर दिया जाएगा। परीक्षण चल रहा है और वो लोगों के पास मैं भी गया था, सार्वजनिक पार्क भोपाल में भी वो लोग बैठे थे, उन लोगों से मैं मिला भी था। उन लोगों से मैंने कहा था कि आप लोग उठ जाएं, सरकार उसमें परीक्षण कर रही है, जो भी कार्रवाई होगी वो आपने अभी वचन तो 5 साल के लिए ऐसा कोई वो नहीं सर, मगर वचन पत्र में 3 माह का समय दिया गया था। वचन में कांग्रेस सरकार ने 3 माह की कहा था। जेडी मिनिस्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, उसका जो निर्णय होगा। ने भी ट्वीट कर कहा है कि अतिथि शिक्षकों को जल्द नियमित किया जाएगा। उदयपुरा ब्लॉक के समस्त अतिथि शिक्षक शिक्षिकाएं हड़ताल पर जा रहे हैं।